नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशी चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं संघीय कार्यपालिका से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। फ्रेंड्स, आपको GS के प्रश्न पत्र में भी इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन बनने वाले हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में यानी लॉ वाले पोर्शन में भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन बनेंगे। तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट आप इसको कह सकते हैं कि अगर आपका संविधान का पोर्शन अच्छा है तो आपको इंडियन पॉलिटी GS प्रश्न पत्र और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले प्रश्न पत्र से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपना स्कोर अच्छा करने में। फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होता। तो ये राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं ये महाभियोग के टाइम में नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और फ्रेंड्स इसमें देखिए जो है राज्य की जो विधान परिषद है ये निर्वाचक गण में भाग नहीं लेती है, ना निर्वाचक गण में लेती है ना ही महाभियोग में। असल में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें लोकसभा के मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर और राज्य की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर जाते हैं, प्लस दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के मेंबर भी वोट देते हैं, परंतु जो राज्य की विधान परिषद हैं वो इसमें भाग नहीं लेती हैं। तो इसमें क्वेश्चन बना है कि राष्ट्र निर्वाचक गण में तो भाग लेते हैं किंतु महाभियोग में नहीं। तो फ्रेंड्स, जो राज्य की विधानसभाएँ हैं वो निर्वाचक में तो भाग लेती है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य के विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है इसमें से 35 वर्ष ज़रूरी है, संसद में चुने जाने योग्य रखता हो ये भी सही है और देश का नागरिक हो ये भी सही है, लेकिन पढ़ा लिखा हो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो संसद और जो राज्य की विधानसभाएँ हैं उनके द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सही है, विधान राज्य की विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए दोनों मंडल के तो नहीं होते हैं क्योंकि विधान परिषद के तो नहीं होते हैं, इसलिए ये नहीं होगा इसका आंसर। तीसरा है, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित, ये ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी सभा के निर्वाचित, ये भी ठीक है, इसलिए आंसर इसका 1, 3, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को इस पद की जो शपथ दिलाते हैं कौन दिलाते हैं, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्ट्रोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसमें कौन है जो सम्मिलित नहीं होते, तो इसमें जो नहीं होते हैं वो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चयनित सदस्य, इसमें नहीं होते, इसके अलावा राज्य के चयनित सदस्य, लोकसभा के चयनित सदस्य और विधानसभा सदस्यों के, ये चयनित सदस्य स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी के विधान परिषद के मेंबर इसमें नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, इसके अलावा योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती और संघ राष्ट्र क्षेत्र का मुख्यमंत्री भी इनके द्वारा नहीं नियुक्त होता है, यानी कि सिर्फ वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, योजना आयोग का नाम अब जो है नीति आयोग हो चुका है, जिसकी घोषणा पीएम मुख्यमंत्री ने कब की थी, 2015 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की सीमा 6 महीने है, अगर उनके पद से हटा दिया जाता है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उन्होंने पद दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, पद त्याग दिया है, तो 6 महीने के अंदर अंदर उनकी खाली रिक्तियों को भरना होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति ये थे एन संजीव रेड्डी, ठीक है, मतलब इनको सबने वोट दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता, किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो प्रधानमंत्री की तो करता है, राज्यपाल की भी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किस अवधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है, अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है उनकी कार्य अवधि से पहले तो सिर्फ महाभियोग प्रोसेस के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन,
आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति विद्वान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। केवल दूसरा सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति बने रहे भारत के राष्ट्रपति बने? यह एन संजीव रेड्डी में से, ये निर्विरोध चुने गए थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधार पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति दी थी? ये दी थी 123, असल में 123 में जो है अध्यादेश ही है, राष्ट्रपति द्वारा किया गया अध्यादेश। अगला है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो अगर उनसे संबंधित कोई मामला है तो भारत के उच्चतम न्यायालय में भेजा जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? ये है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में उपवाद किसके संदर्भ में है? तो यह है राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? महान्यायवादि की करते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक इनकी भी करते हैं, एक राज्य के राज्यपाल इनकी भी करते हैं, यानी कि इसका आंसर जो है उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुए? कृष्णकांत। फ्रेंड्स, ऑप्शन पर डिपेंड करता है, जैसे कि इसमें कृष्णकांत है, ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, उपराष्ट्रपति थे जो कि कभी राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन है जो राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं है तो पद संभालेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का कार्य कर रहे होते हैं तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना बंद कर देते हैं। सही बात है, वो नहीं करते हैं उस टाइम पर जब वो राष्ट्रपति के पद पर होते हैं, उस वक्त राज्यसभा का जो है, राज्यसभा का पूरा कार्य उप राज्यसभा के जो स्पीकर हैं, अध्यक्ष तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, तो उनकी एब्सेंस में जो है वहाँ के उपाध्यक्ष राज्यसभा की कार्यवाही को देखते हैं। दूसरा है, भारत का राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है केवल उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो। तो ये भी सही है, इसलिए आंसर इसका दोनों सही है, केवल इसमें एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन बताना है आपको, इसमें से क्या सही है? ऑप्शन ए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही त्यागपत्र देते तो लोकसभा का अध्यक्ष नए राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा। गलत है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उस टाइम पे। अगला है, भारतीय संविधान में चुनाव लड़ने की सबसे कम और सबसे अधिक आयु का प्रावधान ऐसा भी कुछ नहीं है। अगला है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के शेष कार्यभार का, ये भी गलत है, इसलिए आंसर जो बचता है फोर्थ है, कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है। ऑब्वियसली है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये भारत के संसद के अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होता है तो फ्रेंड, संसद की जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? ये होती है संसद की। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष करते हैं और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव की बात करते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, इसमें जो है वीटो पावर का यूज़ किया था। नेक्स्ट है, भारत के चौथे राष्ट्रपति ये थे श्री वीवी गिरी। अगला है, 32 क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिनियम लगाया जा सकता है 6 माह के लिए,
किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लग सकता है। उसके बाद में उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त होना हो जाता है, 6 महीने में हो ही जाता है, 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से सही आपको चुनना है। ऑप्शन पहला है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए कोई व्यक्ति तभी योग्य होगा जब वह 40 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। ये तो गलत है, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के समान होता है। ये भी गलत है, उपराष्ट्रपति का चयन भी वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 34, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकते हैं? तो जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति बीमार हैं या फिर उनका पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर। ये सभी स्थितियाँ जो है सही हैं। अगर ये तीनों ही स्थिति अप्लाई होती है तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य करेंगे। अगला है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा नहीं, निर्वाचन मंडल के द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, और तीसरा संसद के दोनों सदनों के द्वारा। फ्रेंड्स ये सही है, जो संसद के दोनों सदन हैं वो उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति होने का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद हैं जी एस पाठक, उसके बाद हैं वी डी जत्ती और उसके बाद आर वेंकटरमण। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, आपको नीचे युग्म दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है जिसके दोनों महानुभव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त के पद पर रहे। मतलब ऐसे कौन है जो राष्ट्रपति से पहले, उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत और उच्चायुक्त के पद पर थे? तो ये तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायण। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे? तो ये थे इंद्र कुमार गुजराल और HD देवगौड़ा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। 41 क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को 2 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री थे? ये जो मोरारजी देसाई थे ना, उस टाइम पे 2 उप प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 2 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री रहे? चौधरी देवीलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा उनको हटाने को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75। 44 क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में भी उनकी सहायता करते हैं, ये बात ठीक है। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में वे राष्ट्रपति को सूचित करती है, भी सही है। दूसरा तीसरा सही है, पहला तो गलत है, प्रधानमंत्री उनकी जगह सिग्नेचर नहीं करेंगे और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि राष्ट्रपति का पद हमारे देश में खाली हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो चंद्रशेखर। इसके अलावा मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह और पीबी नरसिम्हा राव, ये सभी जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं किसी राज्य के। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। अगला है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, भारत में वे मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त होना हो जाना पड़ता है 6 महीने के बाद। अगला है 49 क्वेश्चन, गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य होता है आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामलों से संबंधित कार्य होता है गृह मंत्रालय का। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित किया गया है। 51 क्वेश्चन है, भारत प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का, नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का और कैबिनेट सचिवालय का। देखते हैं इसका आंसर, 51 का आंसर होगा ऑप्शन सी 2, 3, 4।
नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर के बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्य के रूप में होता है, ठीक है। दूसरा है, रिक्त की अवधि में के दौरान उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति के बारे में संविधान उल्लेख नहीं, सही बात है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्धारित जमानत 25,000, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए क्या कार्य विशिष्ट रूप से निर्धारित है। विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव कोई कार्य नहीं, आपातकाल में राष्ट्रपति की सहायता करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे परिलाभ प्राप्त होते हैं, वो सभी जो राष्ट्रपति के पास होते हैं ना, वही सब, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति उस टाइम पे राष्ट्रपति होते हैं देश के। अगला है, जब राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है उस दौरान सभापति के कार्य को उपसभापति संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है, मंत्रिपरिषद को। अगला है 58 क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या कहना गलत होगा। पहला है, सैन्य शक्ति की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के हाथ में होती है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति की किसी देश के साथ शांति युद्ध की घोषणा संसद द्वारा नियंत्रित होती है, भी ठीक है। सैन्य शक्ति के प्रशिक्षण और अनुरक्षण के व्यय पर संसद की स्वीकृति होती है, ये भी सही है, ये वाला गलत है। भारत के सैन्य शक्तियों का कमांडर इन चीफ होने के नाते राष्ट्रपति विधानमंडल में नियंत्रण के बाहर होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, जो योजना आयोग यानी नीति आयोग है ना, ये नहीं करता है, बाकी वित्त आयोग, राष्ट्रीय भाषा आयोग और लोक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए लाभ का पद धारण करना अयोग्यता है, लाभ के पद के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता, तो ये स्थानीय प्राधिकार के अधीन, इसके अलावा भारत सरकार के अधीन आएगा और राज्य सरकार के अधीन आता है। अगला है, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र और उनके पद से हटाए जाने पर उनके पद को जो है जितनी जल्दी हो सके उस भर लेना होता है उपराष्ट्रपति के पद को। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन विशेष स्थितियों में वह इससे अधिक पद पर बने रह सकते हैं, ये देखिए तब तक रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी चुनाव उनके उत्तराधिकारी का चुनाव न हो जाए। अगला है, मंत्री व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, नहीं फ्रेंड्स, जो मंत्री होते हैं ना वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनते हैं, जो राष्ट्रपति है लोकसभा के बहुमत दल प्राप्त दल के नेता को जिसे चाहे उसे, ये ऐसा नहीं है। तीसरा है, उस व्यक्ति को जो लोकसभा में बहुमत से समर्थन हासिल कर सके, पहला और तीसरा इसका आंसर सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है, ऑप्शन सी, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर पूरे मंत्रिपरिषद को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। अगला है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मंत्रियों का जो चुनाव किया जाता है वो लोकसभा से, राज्यसभा से, विधानमंडलों के बाहर से, कहीं से भी हो सकता है, ये तीनों सही हैं। अगला है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने की स्थिति, मंत्रिपरिषद जो है भंग हो जाएगी, अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो उनकी पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अगला, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तब तक दायित्व संभालता है परंतु वास्तविकता में वह तब तक बने रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन है। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन व पूर्वापेक्षा का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय लोकतंत्र में व्यवस्थापिका आती है, कार्यपालिका आती है, व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है संसदीय लोकतंत्र में। 71 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए गए राज्य कार्यों को प्रमाणीकरण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रति हस्ताक्षर करते हैं, तो भारत के सचिव, सरकार के सचिव, सॉरी। 72 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद चैनल के रूप में जो कार्य करते हैं उसका अनुच्छेद है 73। नेक्स्ट है, सभी राज्यों की जो लोकसभा है उनमें अधिकतम प्रतिनिधि 530 हो सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो ये हैं बराहगिरी, वेंकट गिरी, अहम हिदायतुल्ला, ये तो नहीं है, फरुखुद्दीन अली अहमद, ये नहीं है, और बी डी जत्ती, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो इसमें से राज्य विधानमंडल के सदस्य, भारतीय नागरिक और भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन ए इसमें गलत है। अगला, भारत में यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं, कब तक? तो अधिक से अधिक 6 महीने तक बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था? ये थे बी वी गिरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ के संदर्भ में कौन सही नहीं है? पहला है, सैन्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। दूसरा है, वह संघ तथा राज्य के विरुद्ध किसी भी कानून के अंतर्गत प्रतिलंबन और स्थगन प्राप्त कर सकता है। तीसरा है, वही मृत्युदंड के विरुद्ध क्षमादान प्राप्त कर सकता है। चौथा है, उसकी क्षमादान की शक्ति न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए खुली है। तो केवल दूसरा और इसमें चौथा सही है, बस दूसरा और चौथा। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के द्वारा प्रयोग की जाती है? राज्य सूची से संबंधित अपराधों के विरुद्ध हुए आदेश में क्षमादान की शक्ति, जो क्षमादान की शक्ति है ना, सिर्फ वही राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, संसद के हर सदस्य को उतने मत देने का अधिकार है जितना सभी राज्य विधानसभाओं के कुल मतों को संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित करता है राज्य तथा संसद के मध्य मत सामर्थ्य समता हो पाए। अगला 83 क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ ग्रहण करते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश मौजूद न हो तो वह किसकी उपस्थिति में पद ग्रहण करेंगे? तो जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश है ना, उसके सम्मुख। अगला, राष्ट्रपति अपना कार्यालय 5 वर्ष के लिए संभालते हैं अपने कार्यालय प्रवेश होने की तिथि से, जिस डेट को उन्होंने शपथ ले लिया तब से वो 5 साल के लिए रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कौन मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ये थे अहम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन, राष्ट्रपति में कारणी शक्ति नहीं था परंतु वह उनका प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी सलाहानुसार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है तो संसद द्वारा निर्मित विधान पर लगे उन्हीं सीमाबंदों के अंतर्गत। अगला 88 क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्तित अध्यादेश जो है संसद के पुनः एकत्र होने पर उनके सम्मुख अवश्य रखा जाना चाहिए। 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले में सदन में विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो धन विधेयक में, ऐसे करो को प्रभावित करने वाले बिल जिनमें राज्य की रुचि है, और व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य के विधेयक में। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे तो सामान्यतः बहुमत से पुनः पारित होने पर उसे सहमति देने पर बाध्य किया सकता है। 91 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास जो है निरपेक्ष वीटो शक्ति होती है, निलंबित वीटो शक्ति होती है, जैव वीटो शक्ति होती है, तीनों शक्तियाँ होती है ये। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति में नहीं थे, ऐसा गलत है, राज्यपाल भी इस अध्यादेश को जारी कर सकता है राज्य में। दूसरा है, भारत में किसी राज्य में आपदा घोषित करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति में, ये सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला है, निम्नलिखित आपातकालों में से राष्ट्रपति किन आपातकालों की घोषणा स्वयं ही कर सकता है? जैसे कि पहला, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल, दूसरा है वित्तीय आपातकाल, तीसरा है राज्यों के राष्ट्रपति शासन, इसमें से कोई नहीं। 94 क्वेश्चन है, भारतीय उपराष्ट्रपति की स्थिति किस राष्ट्रपति की शक्ति से विशेष साम्य रखती है? तो अमेरिका के, जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो पद अमेरिका के राष्ट्रपति से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि मंत्रिपरिषद बहुमत का समर्थन खो देती है तो उसके पास त्यागपत्र देने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, मंत्रिपरिषद को बने रहने के लिए किस सदन या सदनों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए? तो लोकसभा में। 96 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। 97 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय आवश्यक नहीं है कि वह संसद सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। 98 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदस्य के मत का मूल्य निर्भर करता है उसके राज्य पर जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है, या फिर जनसंख्या जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा तीसरा दोनों सही है। 99 क्वेश्चन है, यद्यपि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये कार्य है लोकसभा को भंग करना, सही है। वह संसद द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृत करता है, ये भी सही है। वह संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है, ये भी सही है। संसद के भी अवधि समाप्त होने के पश्चात वह चुनाव का आदेश देता है, ये गलत है। चुनाव का कार्य निर्वाचन आयोग का होता है फ्रेंड्स देश में। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से इसमें सत्य है। पहला है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है। दूसरा है निर्वाचन मंडल की रिक्तियों से संबंधित विवादों का समाधान निर्वाचन आयोग करता है। और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा इस निर्णय की तिथि से पहले किए गए सभी कार्यों एवं निर्णयों को अवैध हो जाता है। इसमें सही है वो केवल पहला है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड्स हमने जो है इसमें 100 क्वेश्चन देखे हैं, इसके बाद हम जो है विधान सभाओं से क्वेश्चंस देख लेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से क्वेश्चन देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ से देख लेंगे। जीएस प्रश्न पत्र के लिए है फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चन वाले, और इसके जो 20-25 क्वेश्चन बने हैं वो भी हम उस नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।